यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के 45 पोस्ट पर वैकेंसी का ऐड निकाला, लेकिन इसके महज तीसरे ही दिन उसे इससे पीछे हटना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह खुद यूपीएससी के चेयरमैन प्रीति सुदन को लेटर लिखकर इस वैकेंसी को कैंसिल करने के ऑर्डर देते हैं। अब आखिर इस ऑर्डर में ऐसा क्या था कि खुद मंत्री जी को लेटर लिखने की नौबत आ गई। दरअसल 17 अगस्त को पब्लिश की गई इस एड में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसी बड़ी सरकारी पोस्ट पर भर्ती की जानी थी, लेकिन इस पर लीडर और ऑपोजिशन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी समुदाय का हक छीन रही है। इसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कांग्रेस सरकार का ही है। इस एक लाइन को आप याद रखना, वीडियो के बीच में ये लाइन काफी जरूरी साबित होने वाली है। बहरहाल ये तामझाम समझने से पहले तो ये समझना जरूरी है कि यार यूपीएससी में ये लेटरल एंट्री है क्या, इसमें कौन लोग भर्ती होते हैं, इसमें रिजर्वेशन वाला क्या मामला है, माने इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता क्या, बीजेपी और कांग्रेस कौन इसके जिम्मेदार हैं। आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझेंगे, तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बवाल जो चल रहा है इसके बारे में बताता हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली। ये पहली बार था कि कब इतने बड़े नंबर पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सरकार की सीनियर पोस्ट पर रखा जाने का प्लान था। अब ये जो एड यूपीएससी ने पब्लिश किया था इसके अंदर लेटरल एंट्री के लिए रिजर्व सीटों का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि इन पोस्ट के लिए योग्य कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन किया जाएगा। 17 अगस्त को ऐड आता है और इसके बाद 18 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक पोस्ट में लिखते हैं कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में रिजर्वेशन लागू नहीं है, ऐसे में इसके लिए भर्ती करके खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती पर संविधान पर हमला कर रहे हैं। बस फिर क्या था, इसके बाद से लेटरल एंट्री को लेकर बवाल शुरू हो गया। राहुल के अलावा विपक्षी दलों के नेता तेजस्वी यादव ने भी ये कहा कि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं देने को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया जाए। खैर इस तमाम बयानों पर सरकार ने भी पलटवार किया है, पर अभी हम उन सब पर नहीं जाएंगे। अब ताजा सवाल के बाद आते हैं लेटरल एंट्री पर। सबसे पहले सवाल आता है कि ये लेटरल एंट्री होती क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार की बड़ी पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती से, माने सीधा आईएएस। अब इससे दो ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, पहला एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं, दूसरा कॉम्पिटिशन भी बना रहता है। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए भर्ती होती है। ये एक भी पोस्ट छोटी और हल्की नहीं होती। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट ही तीसरे सबसे बड़ी और ताकतवर पोस्ट होती है। ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर काम करते हैं, वहीं डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी से एक रैंक नीचे होते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर से एक रैंक नीचे होता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी वो पोस्ट है जहां से किसी डिपार्टमेंट में फैसला लेने का प्रोसेस शुरू होता है। अब जब इतनी बड़ी पोस्ट पर यूपीएससी डायरेक्ट भर्ती निकाले तो बवाल मच गया। बवाल मचा रिजर्वेशन के लिए। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं है और ये हक छीनने जैसा है। तो ऐसे में सवाल आता है कि यूपीएससी ने जिन 45 पोस्ट पर लेटरल एंट्री की जो वैकेंसी निकाली, क्या उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। अब इस पर दोनों तरह की बातें हैं। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालविया का कहना है कि यूपीएससी के जरिए निकाली गई वैकेंसीज में रिजर्वेशन के नियम लागू होंगे जो यूपीएससी के किसी भी दूसरे एग्जाम्स में लागू होते हैं। माने ये कह रहे हैं कि ये वैकेंसी भी उसी तरह से फिल की जाएंगी जैसे नॉर्मल यूपीएससी में होती हैं। पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन वैकेंसी में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीआई जवाब में कहा है कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है। अब सवाल आता है कि ये रोस्टर सिस्टम क्या होता है। दरअसल इस सिस्टम के मुताबिक सरकारी नौकरी में हर फोर्थ पोस्ट ओबीसी, हर सेवेंथ पोस्ट एससी और हर 14th पोस्ट एसटी और हर 10th पद ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि 3 से कम पोस्ट पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता। इस बार यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है।
रिजर्वेशन रोस्टर के मुताबिक 6 SC, 3 ST, 12 OBC और 4 EWs के लिए इनमें पद रिजर्व होना चाहिए था। हालांकि सरकार ने कानूनी टेक्निकल वजहों का फायदा उठाते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट से 3 से कम पोस्ट के लिए अलग अलग एड पब्लिश किए हैं, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता। अब किसकी बात माननी है मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ सरकार पर, क्योंकि नियम तो गए पर क्या यूपीएससी या भारत सरकार ने लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन को लेकर कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या फिर क्या ये बताया है कि ये भर्तियां होंगी कैसे? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बताया है। 29 नवंबर 2018 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एडिशनल सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी जी ने यूपीएससी के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में कहा गया था कि लेटरल एंट्री के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन प्राइवेट कंपनियों, स्टेट गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट बॉडी और यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए जो अपने सेक्टर में एक्सपर्ट हो। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 3 से 5 साल के लिए होगी। इस पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि इन भर्तियों के लिए रिजर्वेशन को लागू करना जरूरी नहीं है। दरअसल फरवरी 2017 में नीति आयोग ने 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जिसके तहत सेंट्रल सेक्रेटरियट में प्राइवेट सेक्टर के एक्सपीरियंस लोगों को शामिल करने का सजेशन दिया गया। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेटरल एंट्री से भर्ती हो जिसे 2 और साल के लिए बढ़ाकर 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स जैसी सीनियर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगे थे। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सवाल आता है। जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो मैंने आपको 2 स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था, पहली राहुल गांधी की जिन्होंने लेटरल एंट्री पर सवाल उठाए थे और दूसरी थी लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव की स्टेटमेंट जिन्होंने पोस्ट किया था कि लेटरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ही कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की देन है। अब सवाल आता है साहब कि जब पहली बार इसमें भर्ती 2018 में हुई और मोदी सरकार ने की तो फिर ये कांग्रेस की देन कैसे हो गई? दरअसल 2005 में यूपीए सरकार ने सरकारी नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी ARC बनाया। इसे हेड वीरप्पा मोइली कर रहे थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस सेक्टर के एक्सपर्ट्स लोगों की भर्ती होनी चाहिए। इससे पहले 1966 में भी मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इसका बेस तैयार किया था। हालांकि इन्होंने लेटरल एंट्री की कोई वकालत नहीं की थी। बाद में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोस्ट लेटरल एंट्री के जरिए फिल होने लगी, पर इसके लिए कुछ रूल्स थे। रूल्स के मुताबिक इसके लिए 45 साल से कम एज होनी चाहिए और ये भी जरूरी है कि जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे वो एक डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट भी हो। और इसी तर्ज पर कई और स्पेशलिस्ट को भी सरकार के सेक्रेटरीज के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। अब अगर कांग्रेस वाले पॉइंट की बात की जाए तो कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि 2005 में नौकरियों में रिफॉर्म के लिए ARC बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपना सुझाव भी दिया था लेकिन यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए एक भी भर्ती नहीं की थी। एक कमेटी ने सरकार को सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीनियर पोजीशन पर बैठने वाले ऑफिशियल्स को उस अपने सेक्टर का एक्सपर्ट होना जरूरी है, इसलिए ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज के जरिए भर्ती की जगह कुछ सीनियर पोस्ट पर उस सेक्टर के एक्सपर्ट्स की भर्ती होनी चाहिए। हालांकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सजेशन को लागू नहीं किया था। 2018 में पहली बार यूपीएससी और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी के जरिए वैकेंसी निकालकर लेटरल एंट्री से भर्ती की शुरुआत हुई। इससे पहले एडवाइजर के तौर पर एक एक्सपर्ट होते थे लेकिन लेटरल एंट्री जैसा कोई भी सिस्टम नहीं था। इधर कांग्रेस के आरोपों पर लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल का कहना है साहब कि 1976 में मनमोहन सिंह भी लेटरल एंट्री के जरिए ही फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। रघुराम राजन को RBI गवर्नर और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चीफ बनाया गया था। फिर वही बोलूंगा कि टेक्निकली बात को कई बार नेता उलझा कर बताते हैं, पर नेता तो ये भी बोल रहे हैं कि लेटरल एंट्री की भर्तियों में OBC, SC, ST का हक मारा जा रहा है। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? भाई कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि जिन 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकाली है उसके एडवर्टाइजमेंट में रिजर्वेशन शब्द का जिक्र तक नहीं है। ऐसे में ये OBC, SC, ST की हकमारी नहीं तो और क्या है? गोहिल कहते हैं कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार की सबसे बड़ी पोस्ट पर भर्ती होती है, इस तरह की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिजर्वेशन लागू नहीं होते। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू करना सरकार का दायित्व है। साफ है इस तरह की भर्तियां समाज के ताकतवर वर्ग के लोगों के लिए हैं और OBC, SC, ST के साथ ये छलावा है। हालांकि BJP IT सेल के इंचार्ज अमित मालविया का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का ये तर्क गलत है।
सरकार सभी डिपार्टमेंट और मंत्रालयों में रिजर्वेशन के तहत नौकरी दे रही है। कांग्रेस सरकार के सुझावों के आधार पर ही मोदी सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों को बहाल करती है। दोनों नेताओं का तर्क अपना अपना है, पर मैं आपको रिजर्वेशन का सिस्टम बता चुका हूं और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर रिजर्वेशन तो है नहीं। अब सवाल आता है साहब कि क्या यार सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू करना जरूरी है? तो दोस्तों हाँ बिल्कुल जरूरी है, सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू होना संवैधानिक तौर पर जरूरी है। हालांकि रोस्टर सिस्टम के तहत कुछ नौकरियां रिजर्वेशन के दायरे से बाहर हो जाती हैं। अक्टूबर 2023 में खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 45 दिन या फिर उससे ज्यादा की टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा। सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को टेम्परेरी पोजीशंस पर इस रिजर्वेशन को सख्ती से लागू करने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। ऐसे में अगर किसी नौकरी के एड में इसका जिक्र नहीं है तो ये देखना होगा कि क्या रोस्टर सिस्टम के तहत इन वैकेंसी पर कोटा लागू होगा या नहीं। आखिर में इस पर भी आइए जरा बात कर लेते हैं कि क्या लेटरल एंट्री सही है, क्या इसमें कुछ खामियां हैं। अब इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि लेटरल एंट्री हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर शॉर्टकट का तरीका है और इस वजह से ये सिस्टम से देश और समाज के लिए इन तीन वजहों से खतरनाक है। पहली, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर बड़ी दिक्कत आ सकती है। अब सिंपल है साहब कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी से कोई इंसान सरकारी अधिकारी बनेगा तो उसे पता होगा कि 3 साल या 5 साल बाद उसे वापस उसी कंपनी में जाना है। ऐसे में सरकार के ताकतवर पोस्ट पर रहते हुए वो अधिकारी अपने फायदे के लिए भी काम कर सकता है। इस तरह लेटरल एंट्री के कई मामलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। दूसरा, कानूनी नियमों को तोड़ेगा। सोशल जस्टिस के लिए बनाए गए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का भी लेटरल एंट्री वायलेशन करता है। कहना गलत नहीं होगा, ये शॉर्टकट रिजर्वेशन से बचने का भी एक शॉर्टकट तरीका है। कैसे, मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। नंबर 3, यंगिस्तान को डीमोटिवेट करने वाला। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे करोड़ों यंगस्टर्स को डीमोटिवेट करने वाली पॉलिसी है। जो आईएएस या आईपीएस अभी सेवा नियमों की वजह से बंधे हैं, वो अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अपनी पोस्ट को इस तरह से लोगों के हाथों में जाते देख दुखी जरूर हो सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी के आरोप लगाने के पीछे एक तरह का डर ये भी है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार अपने सपोर्ट वाले लोगों को और बड़े कॉर्पोरेट्स को सरकार के अंदर एंट्री दे देगी, जिसका सरकार कई तरीकों से फायदा उठा सकती है। आपको आखिर में ये भी बता देता हूँ कि 2018 में लेटरल एंट्री शुरू हुई तो पहली बार 9 डिपार्टमेंट्स में 9 लोगों को रिक्रूट किया गया था। इसके लिए 6,000 एप्लीकेशन आए थे। 9 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने बताया कि पिछले 5 साल में लेटरल एंट्री से 63 रिक्रूटमेंट्स हुई, जिसमें 57 ऑफिसर अब भी काम कर रहे हैं। अब ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या लेटरल एंट्री सही है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।